जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉरपीडो क्या है और जो टॉरपीडो के लिए चीन डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर बना रहे है वह कितना खतरनाक है और इससे क्या भारत को भी खतरा होगा, इन सब बातों को हम पूरी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए टॉरपीडो, सबसे पहले हम जानते हैं टॉरपीडो क्या है। देखिए टॉरपीडो एक प्रक्षेपास्त्र है, जल के प्रक्षेपास्त्र, इसको आप संधि करेंगे तो प्रक्षेप प्लस अस्त्र, मतलब कि प्रक्षेपित करने वाले का अस्त्र है। इसका प्रयोग आप जल के सतह पर मतलब इसका उपयोग केवल नेवी ही कर सकती है। तो इसका उपयोग मतलब इससे आप जल की सतह पर या जल के भीतर के चीजों को आराम से आप मार सकते हैं टॉरपीडो के द्वारा। इसमें दूसरा था पानी में सीधा या बदल भी सकते हैं, मतलब कि जो टॉरपीडो है इसके द्वारा हम पानी में पूरी एकदम सीधा निशाना भी लगा सकते हैं, वो गहराई कितना भी हो लेकिन हम उससे सीधा निशाना लगा सकते हैं। समझिए कितना महत्वपूर्ण है। और इससे अगर आप चाहे तो इसका जो डायरेक्शन है, दिशा है, और इसके बार बार आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जितना बार उतना, और अंत में आप सीधे मारना चाहते हैं तो इससे आप सीधे मार सकते हैं। इसका तीसरा गुण आता है स्थिरता। स्थिरता का मतलब होता है कि आप कितना भी गहरा समुद्र क्यों ना हो उसमें आप टॉरपीडो फिट कर दीजिए, वहां से एक कदम भी हिलेगा भी नहीं, मतलब कि जहां आप गहरा जिस गहराई में स्थित मतलब फिट किए उसी गहराई में वो फिट ही रहेगा, वो ना हिल सकता है ना डोल सकता है। तो ये टॉरपीडो का गुण है। तीसरा चौथा आता है विस्फोटक के लिए विशेष स्थिति। देखिए विस्फोटक के लिए जब टॉरपीडो किसी मतलब आप लक्ष्य से टकराता है ना वो विस्फोट कर देता है, समझिए। अगर कोई दुश्मन किसी दुश्मन को मारना हो तो समुद्र में तो ये फिट हो जाएगा जी, और इसके ऊपर से सोचेगा कि इसको मार के तोड़ दे, जब तोड़ेगा एकरम ठेकेगा बस ये विस्फोट होगा। इतना ही नहीं, जब इसके आप अगर इसमें विशेष परिस्थिति मतलब नियम लगा दिया जाता है, अगर इसके सामने से भी जाने पर ये विस्फोट हो जाता है दुश्मन के, मतलब दुश्मन इस टॉरपीडो के सामने से भी जाएंगे तो वो विस्फोट हो जाएगा। तो ये टॉरपीडो का प्रमुख गुण है। अब देखिए अब हमें मुख्य रूप से समझना है जो टॉरपीडो के लिए डिस्पोजेबल रिएक्टर परमाणु जो चीन बना रहे है उसको हमें मेन रूप से इसमें समझना है। इससे समझने से पहले कुछ और बातों को समझना होगा, जैसे कि परमाणु रिएक्टर शब्द है, परमाणु रिएक्टर क्या है। देखिए परमाणु रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा का घर है, मतलब कि कहिए कि जिसमें वैसा रिएक्टर जिसमें क्या कहे उसे विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम पोलोनियम इत्यादि को विखंडनीय पदार्थ के रूप में लेकर विशाल मात्रा में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उसे परमाणु रिएक्टर कहते हैं। देखिए ये परमाणु रिएक्टर अगर किसी कारण लीकेज हुआ मतलब खराब हो जाए तो उसके मतलब अधिक से अधिक क्षेत्रों में मतलब कि रेडिएशन फैल जाएगा, अल्फा बीटा गामा किरण निकल सकती है। तो इसलिए परमाणु रिएक्टर बहुत ही मतलब कि पूरी सावधानी से रहती है और इसके आसपास मजदूर को कुछ हानि न पहुंचे तो परमाणु रिएक्टर के चारों तरफ कंक्रीट कंक्रीट भी बना दिया जाता है। तो आप परमाणु रिएक्टर का बहुत ही उचित रूप से उपयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर का मतलब आप समझे कि परमाणु रिएक्टर का जिसमें विखंडनीय पदार्थ जैसे यूरेनियम का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और याद रखिए अगर 1 किलो यूरेनियम मिल जाए ना तो 1 किलो यूरेनियम से पूरा भारत 1 किलो यूरेनियम से पूरा भारत 500 साल तक पूरा भारत को बिजली मिलेगा। इतना समझिए इतना इसमें कितना एनर्जी होता होगा। बहुत इसका उपयोग सोच समझ कर किया जाता, नहीं तो कुछ हुआ तो बहुत ही खतरा कर देगा। तो समझ सकते हैं जब 1 केजी यूरेनियम 500 साल तक पूरा भारत को बिजली मिल सकता है तो कितना 1 ग्राम के लिए आदमी तरसता है 1 ग्राम के लिए, तो उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो अब देखिए समझते हैं कि जो चीन का डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर है वो क्या है। उससे समझे पहले इसने देखिए पहले अपना ये डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर बनाने से पहले रूस का देखा, रूस का एक पोसिडोन है, वाटर ड्रोन है। देखिए रूस का पोसिडोन ये एक देखिए रूस का जो पोसिडोन है परमाणु ऊर्जा से चलने वाला पहला वाटर ड्रोन है, मतलब कि वाटर में पानी में चलने वाला परमाणु ऊर्जा से, समझिए इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाला प्रथम दुनिया का पहला ड्रोन कौन है, पोसिडोन। किसने बनाया था, रूस ने बनाया था। और इसे कहाँ फिट किया गया है, तो बेलगोरेड पनडुब्बी में, विश्व की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरेड में इसे रूस का पोसिडोन को फिट किया जाता है। इसके आप गुण देखेंगे तो हिरोशिमा पर जो अमेरिका बम गिराया था जापान के हिरोशिमा पर उससे 100 गुना खतरनाक होता है, मतलब कि वह समझिए कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में मतलब कि समझिए उससे डायरेक्ट 100 गुना बर्बादी करेगा। अगर एक देश पर इसे मार दिया जाए तो समझिए पूरा देश दम निश्चित रूप से खत्म ही हो जाएगा, कोई इसमें
संदेह नहीं कि वो बचेगा, एकादुगो बच सकते, लेकिन दम समझिए कि बर्बादे है। आप समझ सकते हैं हिरोशिमा का 100 गुना है, तो समझिए कितना। और इसके बारे में आप जानेंगे ये बहुत ही बड़ा होता है या बहुत महंगा होता है, इसको बनाने में आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगा होगा। और अगर किसी देश के समुद्री तट पर आप ला देंगे तो इसमें परमाणु सुनामी भी ला सकती है, परमाणु सुनामी आ सकता है। तो इन्हीं सब गुणों को देखते हुए चाइना सोचा, सबसे पहले ये टारपीडो के बारे में पूरा गहराई से अध्ययन किया कि टारपीडो क्या है, इसका उपयोग कैसे कैसे, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो इन सब गुणों को अध्ययन किया। इसके बाद रूस के ये देखा, रूस का पोसिडॉन का अध्ययन किया, रूस का पोसिडॉन का अध्ययन किया, तब अपना काम किया। देखिए चाइना नकल करता है, लेकिन नकल करता है अकल से, अकल होना चाहिए अकल। वो ऐसा था, लेकिन अपना से देखे उसने, अब उसने कह के उसका परमाणु रिएक्टर बदल, ये जो है डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर को एक टारपीडो ट्यूब में फिट करेगा। समझे, टारपीडो का खुद इतना गुण है ये प्रक्षेप, ये जल के अंदर भीतर मार सकते हैं, जहां पर स्थित होते वहां इसके सामने जो आएगा वो विस्फोट होगा। ये तो टारपीडो का गुण है। और उसमें टारपीडो में और एक फिट कर रहा है परमाणु रिएक्टर। अब समझ सकते हैं कि ये दुदुगो बार करेगा, एक से बचेगा तो एक। ये अब इसके बारे में देखे, इसे अभी फिलहाल ये बना है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन रिसर्च टीम ने चीनी रक्षा मंत्र, हर एक देश की एक रक्षा मंत्रालय होती है, वह देश की रक्षा के बारे में जानकारी देती रहती है। तो उसी चीनी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक रिसर्च ने ये जो डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर है इसका डिजाइन पूरा कर लिया और इसके जोड़ों से इस पर, मतलब चीनी जितने भी वैज्ञानिक है जैसे कि जियो गुआन है, चीनी इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रमुख वैज्ञानिक जियो गुआन है, इन्होंने कहा है कि ये जो है हमारा जो डिस्पोजेबल परमाणु रिएक्टर है वो रूस के जो पोसिडॉन है उसमें बुनियादी अंतर है, बहुत अंतर है। तो उन्होंने कहा कि यह बहुत सस्ता, मतलब कि इसके मुकाबले में बहुत सस्ता है, पोसिडॉन के मुकाबले में छोटा है, इससे छोटा है, ज्यादा उत्पादन कर रहा है और इसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है। समझिए, यह भी परमाणु सुनामी ला सकता है। परमाणु सुनामी का मतलब कि समुद्र में ले जाकर अगर परमाणु रिएक्टर, अगर समझिए परमाणु रिएक्टर को खराब कर दिया तो समझ सकते हैं जितने भी समुद्री जीव है और आसपास के जो समुद्र के देश है वो उसको बर्बाद कर सकता है पूरा। समझिए रेडियो एक्टिव किरणें निकल सकती है, समझ सकते हैं रेडियो सक्रिय किरणें निकल सकती है। इसके गुण आप देखेंगे कि डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर में, तो चूंकि परमाणु रिएक्टर इसमें फिट किया गया, परमाणु रिएक्टर का काम ही होता है जिसमें ऊर्जा देना, परमाणु ऊर्जा देना, तो वो टर्पीडो के ट्यूब में फिट कर रहा है और टर्पीडो को खुद समझिए उतना गुण है उसमें ये फिट कर रहा है। और यह 200 घंटा तक 56 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से इसको स्पीड दे सकता है। और इसका देखिए आप समझते हैं कि ये भारत के लिए किस अर्थ में खतरनाक होगा। तो पहला तो बात है कि टर्पीडो में फिट कर लिया, टर्पीडो के ट्यूब में फिट किया, तो उसको यह चाल कितना 200 घंटा तक लगातार 200 घंटा तक दम देगा, जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा के। अब देखिए 11 अगस्त का जहाज, बहुत ही खतरनाक जहाज, श्रीलंका का हमर टोटा बंदरगाह पर उतरने वाला है 11 अगस्त को। ये श्रीलंका यहाँ पर हमर टोटा बंदरगाह पर चाइना आने वाला है श्रीलंका का हमर टोटा बंदरगाह को। और ये आने वाला है तो श्रीलंका को देखिए, श्रीलंका को बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही बुरी तरह से फंसाया हुआ है चाइना। जब वो आएगा तो चाइना का जहाज आएगा, उस जहाज में ये आएगा कि नहीं डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर ये आएगा, इसको पता है, ये पता नहीं है। और इसका गुण टर्पीडो का गुण जानिए, ये किसी भी समुद्र के गहराई में स्थित कर देते हैं वहां से हिलने वाला नहीं है। तो इन गुणों के कारण भारत को भी खतरा समझना चाहिए। जो ये टर्पीडो बना रहा है हो सकता है उस जहाज में लेकर आए और वहां पर हिंद महासागर के नीचे ले जाकर मान लीजिए यहाँ लेकर फिट कर दिया। चूंकि हम जानते हैं कि टर्पीडो के समक्ष जो भी विमानें आएगी, समक्ष आएगी या टकराएगी तो वो खुद विस्फोट होगा। जब विस्फोट होगा तो परमाणु रिएक्टर भी विस्फोट हो जाएगा। अब परमाणु रिएक्टर विस्फोट हो जाएगा तो समझ सकते हैं कि उसके जो तटीय राज्य है केरल तमिलनाडु, उसको बहुत ही जनजीवन पर और हमारे जो हिंद महासागर में जीव जंतु है, मछलियाँ, उन सबको बर्बादी हो सकती है। किसके जरिए? इस डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर के जरिए। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो अभी जो चाइना है वह ताइवान
ताइवान के बीच फंसा है, मतलब ताइवान में बचा हुआ, ताइवान युद्ध में लगा है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी आगे ताइवान की तरफ बहुत नाराज है और उसी के मतलब उपाय में लगा है और उसे उधर ही बचा हुआ है, न तो समझिए। और हमारा भी 15 अगस्त आने वाला है और 11 अगस्त को यहाँ पर समझिए कि हमर टोटा बंदरगाह पर आने वाला था। तमिलनाडु के लोगों ने विरोध कर दिया है कि अगर चाइना का जहाज श्रीलंका के हमर टोटा बंदरगाह पर आया तो हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेना ही होगा। तो समझ सकते हैं कि ये तो इतना जानते हैं कि वो जो जहाज उसका रहा है युआन वांग 5 जहाज का नाम है, वो बहुत ही खतरनाक जहाज है, वो खतरनाक जहाज है। ऊपर से एक चिंता और कि इसका जो डिजाइन बना लिया है रिसर्च टीम ने डिस्पोजल परमाणु रिएक्टर का, इससे भी जोर जोर से काम चल रहा है और ये छोटा है, या कि छोटा पतो नहीं कर चले गए, कहाँ फिट कर दिया। फिट करने के बाद वो स्थिर रहेगा, अपनी इच्छा अनुसार वहां से सीधे मार देगा, वो बस वो विस्फोट कर जाएगा और उससे रेडिएशन निकलेगा, तरह तरह के जीव जंतु मरेंगे और हमारे भारत को भी इससे खतरा हो सकता है। तो चीन का ऐसा कोई भी सामान हो जो कुछ बनेगा, हम वीडियो में जरूर लेंगे और अपने देश के लिए जो भी हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। और चलिए, अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।